इसराइल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्षी पार्टियों के हाथ मिलाने के बाद नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए हैं। डेनमार्क के साथ मिलकर अमेरिका द्वारा दूसरे देशों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की जासूसी का मुद्दा गर्मा गया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका ने एंजेला मर्केल की जासूसी भी की थी। दक्षिण कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास पर लगी अमेरिकी रोक के हटाए जाने के बाद उत्तर कोरिया ने नाराजगी जताई। पहले दक्षिण कोरिया सिर्फ 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइलें ही बना सकता था। जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार से चिंतित चीन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब चीन में कोई कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। पहले चीन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत थी। चीन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ आए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने चीन पर अपने मतभेदों को दूर करने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र पर कोविड-19 के टीके खरीदने और मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने के वास्ते एकजुट प्रयास करने की अपील की है। विजय ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र टीके खरीदने मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने संबंधी अपने कर्तव्य से बचना चाहता है। समय की मांग है कि हमारी वास्तविक मांग के लिए दबाव बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं ताकि केंद्र तुरंत कार्यवाही करे। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर है। वो इसे लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। राहुल कोरोना के हालात को संभालने में मोदी सरकार को फेल बताते आए हैं। वो आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों और तौर तरीकों के कारण कोरोना बेकाबू हुआ। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के लगातार हमले पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन और कोरोना की लड़ाई में विपक्ष बाधक बना है, जबकि हम साधक बनकर लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नड्डा ने कहा कि भ्रम की राजनीति करने वाला विपक्ष पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था और अब वैक्सीन की कमी का रोना रो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी वैक्सीन हासिल करने की नीति क्या है। इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन पॉलिसी पर हलफनामा मांगा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि 12वीं के छात्रों को जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए बाध्य न किया जाए।